अब बात हरियाणा की आवाज की, वो मंच जहां पर आपसे जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है, उन पर आपकी राय ली जाती है। आज हरियाणा के आवाम से हम बात करेंगे। प्रदेश में बेखौफ होते बदमाशों की, बढ़ता आतंक है इन बदमाशों का, और पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ चुप्पी साधे हुए है, आखिरकार क्यों? तो चाहे बात गुरुग्राम की हो या फिर बात फरीदाबाद की हो या फिर प्रदेश के किसी भी इलाके की खबर क्यों ना हो, ये बदमाश बेलगाम हो चले हैं, क्योंकि इन पर किसी का काबू नहीं है। ये कभी भी चोरी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, कभी भी लूटपाट हो सकती है, कभी भी लड़कियों के साथ यहाँ छेड़खानी हो सकती है, लेकिन कोई भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकता। आज हरियाणा की आवाज में हरियाणा की आवाम से हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों और कैसे इन पर काबू पाया जा सकता है। जुड़िए आप हमारे साथ, टेलीफोन नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। फोन उठाइए, हमें घुमाइए और जो भी आपका इस पर प्रतिक्रिया है, सुझाव है, हम तक जल्द से जल्द पहुंचाइए। हिसार से दर्शक हमारे साथ जिले सिंह जुड़े हैं। नमस्कार जिले सिंह जी, कहिए क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है जी, बदमाश इतने बेखौफ हैं कि उनको किसी भी पुलिस का या किसी भी अथॉरिटी का डर नहीं है, न कोई प्रशासन का डर है। मेरी वाइफ की जो चैन है घर के आगे से तोड़ के ले गए हैं, जिसके बारे में मैंने FIR दर्ज करवा दी है, बड़ी मुश्किल से दर्ज की। भाई क्यों नहीं करते तुम बताओ। उसके बाद मैं SP साहब से मिला हूँ, बार बार मैं SHO से मिल रहा हूँ, लेकिन आउटपुट है वो बिल्कुल जीरो है। कहते हैं जब मिलेगी जब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। यही की बात नहीं, मैं कहता मुझे नहीं मिलनी, मुझे पता है मेरी चैन नहीं मिलेगी 100%। 8 चैन यहाँ हुड्डा सेक्टर से चली गई हैं, जो आज तक किसी के बारे में नहीं पता चला है। कितनी चोरियां हो गई हैं किसी को पता नहीं चला है। तो यही प्रशासन है तो फिर आप अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, क्यों गवर्नमेंट के ऊपर पैसा खर्च? बिल्कुल जिला सिंह जी, आपका गुस्सा जायज है, बिल्कुल जायज है। देखिए किसी का भी एक रुपया तक अगर हो जाए तो कितना परेशान हो जाता है, मेहनत की कमाई है, खून पसीने से लोग अपने लिए सोना बनाते हैं, अपने लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, और वो बेखौफ बदमाश ले उड़ते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती उनका। क्यों आखिरकार पुलिस इतनी बेबस है? क्यों पुलिस को नहीं मालूम कि उनके इलाके में कौन दहशतगर्द हैं, कितने चोर हैं, कितने बदमाश हैं? क्या पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं है, या फिर सब कुछ जानते बूझते हुए पुलिस अनजान बनी रहती है? तो गुरुग्राम में व्यापारी से 10 लाख रुपए लूट लिए, सदर बाजार की हरीश स्वीट्स के मालिक से 10 लाख लूटे, दुकान बंद करके गाड़ी की तरफ जा रहा था दुकान का मालिक, और उसके बाद उससे ये पैसे छीन ले गए। राम सचदेवा हमारे साथ कुरुक्षेत्र से दर्शक है, नमस्कार राम जी। नमस्कार जी, कहिए। हरियाणा में दिन पर दिन एक तरफ तो पर्व करते थे कि हरियाणा सबसे अच्छा होता था, आज अपराधों का वो बन गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देखो, आज जेई अपनी ड्यूटी कर लिए पैसे लेने गया था, और उससे कितना BJP वालों ने वो दुर्व्यवहार किया था। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मतलब जो राठौर ने वो टैक्स वो है, एक कार वाले ने एक लेडीज के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, क्या ये क्या सरकार बनाई है? उसने तो कुछ कोई ऐसे वो तो एक लेडीज थी, वो था एक लेडीज के साथ भी अगर इतना गलत व्यवहार करेंगे तो मतलब तो उसने तो सिर्फ वो अपनी सरकारी ड्यूटी ही कर रहे थे। सरकारी ड्यूटी ही करना क्या अपराध है, क्या वो है? उसके साथ में उसने कितना दूसरी बात में ये कहा, मनोहर सरकार खट्टर सरकार एक तरफ कहती है कि हमने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा सब, लेकिन वो अच्छा इंतजाम नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ, बाकी के कॉलर्स भी जुड़े, जल्द से जल्द जुड़कर अपने इलाके के हालात हम तक पहुंचाइए, क्योंकि आज बात हो रही है बदमाशों की। जो चोरी डकैती आपके इलाके में बढ़ रही है, उसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं आप भी सुरक्षित रहें और आपके घर का सामान भी सुरक्षित रहे, लेकिन यहाँ तो ना हम खुद सुरक्षित हैं और ना ही अपने घर के सामान को महफूज रख पा रहे हैं। इसके पीछे की आपको वजह क्या लगती है? क्या एक के बाद एक ये प्रशासन की खामियां हैं जिसका भुगतान आम जनता करती है? जो भी राय है हम तक पहुंचाइए। टेलीफोन नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, कॉल करके हमें बताइए कि आखिरकार कब तक जो हरियाणा की आवाम है वो ऐसे ही जूझती रहेगी। VK यादव हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार VK यादव जी, बताइए। नमस्कार
बहुत बहुत मैं हरियाणा न्यूज की और आपका भी और आपकी पूरी टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो हमें ये लग रहा था कि राम राज आएगा, तो अपराध वैसे ही बढ़ रहे हैं। डेली अखबारों में मीडिया के माध्यम से पता चलता है लोग कसोर डाकू ये दिन प्रतिदिन वही कंटिन्यू हो रहे हैं, कोई कमी नहीं आ रही अपराध में। और बीजेपी के नेता कहते अपराध छोड़ दो या प्रदेश को छोड़ दो, ये ना दिया या ना हमें लगता है ना तो वो अपराध को छोड़ेंगे ना वो प्रदेश को छोड़ेंगे। जब तक देखो प्रशासन सख्त नहीं होगा, राजा सख्त नहीं होगा अपराध के प्रति का कंट्रोल करने के लिए, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते। जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ करके दूसरे देश में जाकर मार दिया था तो ये तो छोटे से गैंग के गुर्गे हैं, इनको ये काबू नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगा हरियाणा पुलिस के बस की बात नहीं, यहाँ सीआरपी बीएसएफ इनको वो करके इनके मतलब राज्य की पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। ड्यूटी लगाते हो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। तो पुलिस पर भरोसा नहीं है और इसी वजह से लोग ये कह रहे हैं। अर्नब यादव हमारे साथ रेवाड़ी से दर्शक जुड़े हैं, बोलिए यादव साहब क्या कहेंगे। ये तो बहुत सालों से चल रही है, ये पुलिस का तो हरियाणा में बहुत बुरा हाल है। पिछले छोटा टाइम में होटा टाइम में भर्तियां फेर नहीं हुई है, ऐसा दिया गया है जो खाली बस फैसले की तरफ देखते हैं, उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। इस सरकार ने काफी हद तक आगे भर्ती में पारदर्शिता लाई है, उसका रिजल्ट आने वाले 10 साल बाद दिखाई देगा आपको, एकदम दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, ये पीछे भर्ती पुलिस में सही नहीं हुई है, गलत आपने भर्ती कर रखी होता है साहब। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये लोगों की राय है अलग अलग जो सामने आ रही है और इससे हकीकत भी पता चल रही है कि आखिरकार इस वक्त हकीकत क्या है और लोग कितना परेशान हैं। लोगों के घरों में चोरियां हो जाती हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता, 10-10 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं सरेआम और पुलिस प्रशासन सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है, आखिरकार ऐसा क्यों? ब्रेक के बाद जरूर आपसे जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हरियाणा की आवाज में। आप लोग फिर से कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आज बात एक बहुत अहम मुद्दे की कि प्रदेश में आखिरकार ये बदमाश इतने बेलगाम और बेखौफ क्यों हो चले हैं? क्या किसी बात का इनको डर या भय नहीं है? क्या आम जनता सिर्फ और सिर्फ डरी और सहमी रहेगी कि उनके घर कभी चोरी डकैती ना हो जाए या फिर कुछ और उनके साथ घटना घटित ना हो जाए? क्योंकि पुलिस और प्रशासन तो आपका साथ नहीं दे पाएगी, पुलिस और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति करती रह जाएगी। क्या आपके इलाके में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं? तो जुड़िए, ये मंच आपका है, ये कार्यक्रम आपका है, जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार चल रहा है, बढ़ते अपराध पर प्रशासन मौन है। गुरुग्राम में व्यापारी से 10 लाख रूपये लूट लिए गए, हरीश स्वीट्स के मालिक से 10 लाख रूपये लूटे गए हैं। कुरुक्षेत्र से दर्शक हमारे साथ राम सचदेवा जी फिर से जुड़े हैं, बोलिए राम सचदेवा जी। हेलो जी, कहिए सचदेवा साहब, बताइए। पूजा जी नमस्कार। जी नमस्कार, गुड़गांव से बोल रहा हूँ, राम अदलखा। चलिए माफी चाहते हैं, नाम आपका ठीक कराते हैं, फिर से आप जुड़िए, अपनी बात रखिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए राम जी, आप बात रखिए अपनी। पूजा जी, ना तो प्रशासन सुस्त है, ना हमारे नेता सुस्त है, ना हमारे बुद्धिजीवी सुस्त है। सुस्त है भोली भाली मेरी भारत माँ, इसको समझने की जरूरत है। पुलिस वालों को बस सारी लिस्ट होती है, एक मंत्री के घर में चोरी हो जाता है कि सवेरे आपका माल घर पे आ जाएगा, इनको सारी लिस्ट होती है। कानून हमारा ऐसा है कि आपके पास जाके हमारा मतलब है कानून उसको जमानत दे देता है, जाके जा तू अपना और मौज ले। अब मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, ये योगा दिवस मनाया गया कल, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ये युगो युगो से योगा नहीं? आज योगा नाम धर दिया, पहले कर्सा बोलते थे और रामदेव भी आपके चैनलों के माध्यम से बहुत कुछ दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी अपना दिखा के माल है, मिलावट हो रही है, मिलावटखोर को नहीं पकड़ा जा रहा। अब इसमें मेरी भारत माँ का योगा दिवस के नाम पे कितने खरबों रुपए लूटा गया और वो जनता गरीब भोली भारी भारत माँ के खून पसीने की कमाई जो लोग टैक्स के रूप में देते हैं और वो जाता कहाँ पर है?
इन माध्यम से, नेताओं के माध्यम से ठगा जाता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी आपके टी शर्ट वगैरह हैं, ये गलीचे वगैरह हैं, ये किसके जनता है? और वो जनता जो ये योगा कर रहे हैं कौन है? नेताओं के लोग, उनके कार्यकर्ता। और ये एसी में बैठकर, राम जी इस मुद्दे पे मैं नहीं चाहती कि अब बात की जाए, आज जो मुद्दा है मैं चाहती हूँ आप उसी पे जुड़े और उसी पे ज्यादा चर्चा करें। बहरहाल शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। क्या आपको लगता है जो चोरी डकैती और जितने भी अपराधी घटनाएं हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? रोहतक से हमारे साथ कॉलर कृष्णा जी जुड़ी है, नियमित दर्शक है। नमस्कार कृष्णा जी, कहिए। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। कृष्णा जी आवाज नहीं आ पा रही, संपर्क शायद कट गया है, फिर से आप जुड़िएगा कार्यक्रम में, जरूर अपनी राय अपनी बात हम तक पहुंचाएगा। बाकी के लोग भी जुड़े, कुछ सुझाव अगर अच्छे हैं आपके पास, सुझाव भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप कोई सुझाव देंगे तो यकीनन ऐसी कुछ तो चीज होगी कि वो अमल में लाई जा सके। जुड़ते रहिए कार्यक्रम में, समय काफी कम रह गया है। टेलीफोन नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, बात बढ़ते अपराधों की कर रहे हैं। अपराधों का ग्राफ बढ़ा, चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ी, और जबकि हम देखते हैं कि पॉश सोसाइटीज में ज्यादा ये होता है, बल्कि वहां पर तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं, फिर भी वहां पर चोर चोरी करके भाग जाते हैं और उसको कोई अता पता नहीं लग पाता। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ राम सचदेवा जी जुड़े हैं, बोलिए राम सचदेवा जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कानून तो बनाए जाते हैं लेकिन जब तक उनका सख्ती से पालन नहीं होगा जब तक क्या फायदा है? ये बदमाश तो हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जब भी कोई पुलिस वाले से बात होती है या कोई किसी मिनिस्टर से बात होती है तो हमेशा यही कहा जाता है कि जांच हो रही है। जांच, ऐसी जांच का भी क्या फायदा जो महीनों बाद न मिले? ऐसी जांच का भी क्या फायदा? अगर तुरंत जांच हो जाए, तुरंत उसको पकड़ा जाए या उसको पकड़ा जाए तो ये करना ठीक होगा। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कहना और करना बहुत फर्क होता है। कानून तो बनाए जाते हैं, ये मनो सरकार है किस लिए, प्रशासन किस लिए? ये प्रशासन इसी जनता ने ही बनाया। अगर आज जनता ही परेशान होगी, जनता ही वो होगी तो उससे ज्यादा मुश्किल हो क्या होगी। नमस्कार, जय जय भारत, धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप हमारे साथ। जनता वाकई में परेशान है लेकिन उसकी परेशानी को कौन समझेगा? क्या पुलिस महकमा उनकी परेशानी को समझने में सक्षम है? और अगर इतना ही है तो फिर क्यों इतने सारे केसेस होते हैं और उसको सुलझा नहीं पाती हमारी पुलिस? चोरी को तो मुझे लगता है कि पुलिस बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती, छोटे मोटे अपराधों को तो वो लगता है कि रूटीन वर्क है, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है इसमें कमी किसकी है? कैसे जागरूक भी हुआ जाए, पुलिस कैसे इन सब जो अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसा जाए, जिसे को लेकर हरियाणा की आवाज में आप लोगों से हम चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे सुझाव आपकी तरफ से आए, बहुत सारी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से आए। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।